कल आया था ना घर, अच्छा तो 20,000 रुपया लेके गया है। अरे आप तुम मेरे को क्यों मार रहे हो यार, बताओ। अरे सोहन जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सोचिए अगर आपको बिना किसी मेहनत के बैठे बैठे 5,000 रुपए मिल जाए तो कैसा होगा। हाँ जी मिल सकते हैं, उसके लिए आप ये वीडियो पूरी देखें। सोहन जी आपको 5,000 रुपए मिल सकते हैं, वो कैसे वो मैं बताता हूँ। 26 तारीख तक और गुजरात और मुंबई के मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको माई 11 सर्कल डाउनलोड करना है और नॉर्मली अपनी टीम बनानी है। और आप जैसे ही मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको 5,000 रुपये बोनस के तौर पे मिल जाएंगे और ये वैलिड सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से ही आपको बोनस मिलेगा और ये सिर्फ मुंबई वर्सेज गुजरात के मैच तक के लिए ही वैलिड है। टूर्नामेंट के हर मैच डे पे यहाँ पर चलता है एक मेगा कॉन्टेस्ट जिसमें आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक। और टूर्नामेंट के हर रोज एक बंदा जीत सकता है चमचमाती नई थार। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप अभी डाउनलोड करेंगे और टीम बनाएंगे अपनी। तो फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 20% तक एक्स्ट्रा कैश तो मिलेगा और 5,000 रुपए का बोनस भी। उसके लिए बस आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक, महिंद्रा थार जीत सकते हैं, 5,000 का बोनस तो मिल रहा है और 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिल रहा है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अभी डाउनलोड करिए, टीम बनाइए और आप वीडियो एंजॉय करिए। सोहन जी क्या हाल चाल आप सभी के, मैं आपका वायनस पठान दोबारा आ गया एक और बहुत बेहतरीन प्रैंक के साथ। आपने थंबनेल टाइटल देख लिया है, कल अंशु आया था हमारे घर पे, बिचारी का गाड़ी का शीशा भी टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा। तो हमारे दिमाग में एक बहुत बेहतरीन आइडिया आया, आपने थंबनेल टाइटल तो देख लिया है, अंशु के घर पे जाके आज खिला देंगे कलेश। अंशु को कुटवाएंगे आंटी से बढ़िया वाला और लगा देंगे चोरी का इल्ज़ाम। बस पहुँचते हैं अंशु के घर पे, कैमरे वैमरे लगाते हैं और वीडियो स्टार्ट होगी। और जाने से पहले भाई आप ये कैप देख रहे हैं, आपके ही भाई का ब्रांड है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी हैं और ऑफर भी चल रहा है, मतलब रेट बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। तो आप जाइए देखिए, अच्छा लगे तो बाय करना और बाय भी ना करो तो एक बार देखना ज़रूर। अब चलते हैं, बहुत धूप है भाई साहब, काला हो जाऊँगा मैं तो शायद। तो जी हम अंशु के घर पे आ गए हैं, ऊपर चलते हैं, कैमरे लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना मजेदार प्रैंक। भाई अंशु बहुत गर्मी है भाई, पानी पिला दे यार। अब यार तेरी गाड़ी का शीशा भी टूटा था, बस मैं क्या बोलूँ भाई, मेरे को तो ये लग रहा है कि भाई देख ले यार, अगर गलती से आ गई तेरे पास तो गलती से क्या भाई, मैं गलती करूँगा क्या ऐसे, कि मतलब वहाँ जहाँ पे तो यार इनसे एक बात तो बता रहा कि मतलब तू आया उसके बाद से पैसे नहीं मिल रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर तू मेरे पे नाम लगा रहा है क्या? मैं नाम क्या लगा रहा हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ गलती से अगर आ गई हूँ दे दे यार। गलती से कैसे आएगी, एक जगह पे तूने रखे हैं, मैं वहाँ जाके वो मेरे चल के बैग में आ जाएंगे या मेरे जेब में आ जाएंगे? तीन लोग। तो सीधा सीधा तू मेरे को बोल रहा है ना कि भाई घर में, घर में तीन लोग हैं और कहाँ जाएंगे भाई? तो भाई अपने घर वाले से पूछ रहा है कि भूल गए होंगे यार, घर मेरे पे क्यों आ रहा है कि मैं लेकर गया हूँ यार। यार मेरे को भी देखा अजीब सा लग रहा था इसलिए मैंने कहा भाई फोन पे। तो मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है, तू बोल रहा है तो मेरे को अच्छा लग रहा है सुनने में, तू मेरे को ऐसे नाम लगा रहा है भाई? हो जाता है गलती से, हो गए आ गए हो गलती से यार, गलती से कैसे आते तू बैग लेके आते है क्या? देख लो भाई अगर है तो भाई, मैं कहा तू मेरे पे नाम लगा रहा है क्या फालतू का यार? नाम का भाई मैं तो कह रहा हूँ गलती से आ गए दे दे यार। अब गलती क्या होती है, मतलब चल के आते हैं वो जेब में डल जाते हैं अपने आप,
एक बंदा उठा कर ले जाता है, तो तू तू यू नाम लगा रहा है ना मेरे पे, मैं तो उठा कर ले गया और गलती से वो मेरे पे हो गया। गलती से आ जाते हैं, जैसे कुछ और रख रहा हो कुछ और आ रहे हो भाई, मैं क्यों करूँगा भाई, कमी है क्या मेरे पास पैसे पूछोगे क्या कुछ हो रहा हो या कुछ हो। तो भाई एक बात होता तू आया उसके बाद ही पैसे चले गए, पैसा कैसे मतलब भाई अंकल अंकल से पूछते हैं। अरे पूछ लिया भाई, सबसे पूछ लिया भाई, पैसे की जरूरत पड़ रही है घर से उठा के लेके आ गया तो भाई वो कहाँ जाएंगे एक बात तो बता। मेरे से क्या पूछा है तू, ये पूछने आया है मेरे से? मैं तो पैसे लेने आया हूँ, जबरदस्ती के पैसे तूने तो उठाए भाई, और कौन उठाएगा? मैं क्यों उठाऊंगा तेरे पैसे? क्या हो गया? नमस्ते आंटी। शोर सारा क्या 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 हो गया? अरे आंटी घर आया था मेरे। तो कल आया था ना घर, 20,000 रुपए लेके जाऊंगा। ये क्यों लेके जाएगा? ये तो ऐसे है भी नहीं, हमारे घर में दुनिया भर के पैसे पड़े रहते हैं। ये उठाता भी तो बोलता है मम्मी इतने पैसे ले जाने के, ले जा। अब पता नहीं कैसे फूटा, अब ये सोच रहा कि मैंने इसके पैसे लेकर। अरे गलती से आ जाते हैं भाई, ऐसे मैं कभी नहीं कर रहा हूँ। यार एक बात बताओ, देखो घर में 3 लोग हैं, तो मैंने इसको बताया था, मैंने भाई मैं कैश में यहाँ पर रख रहा हूँ, अब अगर मेरे को सुबह नहीं दिखेंगे तो मैं तो इससे पूछूंगा ना, मैं तो नॉर्मली पूछ रहा हूँ भाई क्या है, तो देख ले भाई मेरे पास है, मैं क्यों लूंगा पैसे? हाँ हाँ 3 लोग ही तो आंटी घर में, सर जरा देख लिया मैं, कल से पूछ या आंटी से पूछ। अरे तो पापा की, अरे ये ऐसा काम नहीं कर सकता भाई। अरे मुझे भी पता है, पर गलती से आज गलती कैसे हो जाएगी जब ये ऐसा है ही नहीं घर में, दुनिया भर के पैसे पड़े जाते हैं सब हमारे घर में, वो दोनों बच्चे ऐसे पूछ के ले जाते हैं अगर चाहिए भी हो तो, ऐसे नहीं कर सकते फिर ये गया पैसे मेरे को नहीं मिल रहे। अब भाई ऐसी मजाक भी कर, कोई और भी आया होगा, ऐसा कर ही नहीं सकता, अपने बच्चों पे विश्वास है। 3 लोग हैं आंटी घर में, थोड़ी ना होता है, इसका गाड़ी का शीशा भी फूट गया था ना, तो मुझे तो ऐसी तीन भाई तेरे दिखाया था ना, ये तो सब बोलेगा, मैं तो बोला था यार कैश रखा हुआ, तो मैं उठाऊंगा थोड़ा ना जाकर वहां से, यार कैसे बात कर रहा यार, गलती से आ गए होंगे, मैं उनको ही कह रहा हूं तेरे दोस्तों को तो इसमें विश्वास नहीं है। अरे आंटी विश्वास की क्या बात हो गई, मैं तो बस इसलिए आप भी जैसे मेरे को तेरे दोपहर में तू आया है तो ये तो देखना कि वो ऐसा काम कर सकता है या नहीं कर सकता। आंटी मैं भी देखो आपको पता है 7-8 साल की दोस्ती है, मैं ऐसे कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे तो बस इसलिए पूछना आया था, क्योंकि जैसा आपने मेरे को बताया कि बेटा मेरी ये सोने की चीज यहाँ रखी है, सिर्फ मेरे को बताया, और वो सोने की चीज वहाँ नहीं मिली, आप किससे पूछोगे? मेरे से पूछोगे ना, तो मैं रखूंगी क्यों? अरे वो एग्जांपल दे रहा है ना, आपने एक चीज रखी मुझे बताया, सिर्फ मुझे बताया, और वहाँ से वो नहीं हुई, आप किससे पूछोगे? मेरे से ही पूछोगे ना, तो सेम चीज वही है, मैं इससे पूछ रहा हूँ, किसी में घर में पता ही नहीं, अभी बैठ के नीचे गद्दे के नीचे पैसे रखे हुए हैं भाई, गलती से हो सकता है, हंसी मजाक कर रहा हूँ कुछ भी हो, देख ले यार ऐसे मजाक तो नहीं करता, ऐसे चोरी के ऐसे मजाक तो ना करेगा, ऐसे चोर थोड़ी ना हमारे घर में, तो दुनिया भर के भगवान के जैसे सब चीजों की मौज है, कोई ऐसा बंदा नहीं हमारे पास, पैसे पड़े अभी दिखाऊंगी तो कितने पैसे पड़े, पर मैं विश्वास है बच्चों पे, अपने आप ले जाते तो बता देते, मम्मी इतने ले जा रहा हूँ, ले जा काम के लिए ले जा। मैं तो आंटी बस ये भी इसको ही बताया था, मैंने कहा भाई यहाँ रखे हैं, फिर इसने कहा गाड़ी का शीशा टूट गया है, अब घर से कैसे मांगूंगा, तो बस इस चक्कर में मैंने कहा भाई जब वहाँ इसको मैंने दिखाया और वहाँ नहीं मिले, तो मेरे को भी तो आंटी बड़ा दिल पे एकदम जोर डाल कर आया ना मैं भी, आप ये बात तो समझो, वरना 8 साल की दोस्ती में किसी के घर आके ऐसे थोड़ी बोलूंगा। गलत बात है ना, ये तो जब तक पूरा पक्का नहीं पता, अब यही आया था क्या पता किसके बाद कोई और आया है, कोई आया नहीं आंटी घर में, 3 लोग हैं, तो इसके बाद जाने के बाद ही देखा तुमने। हां वही जब मैं आता ही हूं आंटी, आप भी तो सोचो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, क्यों बोलूंगा यार, आप एक बार अपने उससे पूछ लो आंटी, वैसे मजाक थोड़ा करेगा, आप भी एक बार देख क्या होगा आंटी, मैं बताऊँ मैं भी बड़ा शर्मिंदा हूँ, ऐसा तो नहीं करता, मुझे विश्वास है लेकिन। अरे कसम छोड़ो आप, मैं क्यों करूँगा, एक बार भरोसा नहीं आपको मेरे पे भी, भरोसा नहीं
भरोसा तो है लेकिन मैं नहीं करूंगा ये घर गाड़ी का शीशा उसे तोड़ दिया था। अरे मैं उसी विकांत की गाड़ी लेकर गया था तो क्यों लेके जाता है किसी की गाड़ी? अकल नहीं है ना को? अरे आंटी गाड़ी अपने गाड़ी है तो अपने गाड़ी है क्या है रहा था काम से जा रहा है मेरे को धूप हो रही थी इतनी पैसों का पूछो आंटी गाड़ी वाले से पैसे पता लेके गया मैं क्यों लेकर जाऊंगा भरोसा नहीं है आपके? अरे मारू मतंती ऐसे होगा भाई होगा हंसी मजाक प्रैंक व्रैंक कर रहा होगा दे दे। अरे मैं क्यों प्रैंक करूंगा हदोती प्रैंक भी तो बनाता है ऐसी मारू मारू मतंती ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पे कहां से आएंगे वो तो मुझे पता है नहीं कर सकता ऐसे काम वो प्रैंक तो प्रैंक भी बनाता है मेरी बात में जब भी पता है तो बता दो जल्दी बता दो जब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कुछ तो हमें भी लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ वो तो नहीं है। मैं क्यों करूंगा मजाक यार हंसी प्रैंक व्रैंक कर रहा है तो भाई दे दे देगा पागल है जो आंटी हंस रहा है आपको देखो कैसी बात कर रहा है ये प्रैंक व्रैंक वीडियो नहीं आपके साथ नहीं करता ये वीडियो बना तो दे दे भाई यार इस बात पे तो बताओ सीरियस बात चल रही है चोर बोले मैं तो नहीं हंसूंगा हंस के राय से पूछ लो भाई तू पागल वागल हो रखा है अरे आप मेरे को क्यों मार रहे हो मैंने क्या करा है तेरे 20,000 रुपए में कहां से चार सच बात है ना नहीं उठाएगा तू अरे मैं क्यों उठाऊंगा यार मम्मी कैसी बात कर रहे हो आप भी उजड़ ओढ़ दिया फालतू फंड में मेरे हां नहीं तो तो पूछ ना अरे यार यार तेरी भी तू फालतू मार कर पैसे ना लगा रहा है ले तेरे पैसे उसे जितने भी वो ये तेरे घर गया तो उसका सामान ना ले अरे आंटी इसमें से निकाल अरे मजाक कर रहा आंटी पे वीडियो बना मेरे पैसे तब से पागल बन के से कर गया तो मेरा तो पैसे वैसे क्यों लिया यार आंटी गड्डी ले भाई आंटी गड्डी ले तो ओ भाई अभी मिलता आंटी गड्डी गोद ले लो आंटी मेरे को सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाइए डाउनलोड करिए और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट प्रैंक में जब तक के लिए टेक केयर लव यू बाय।